वेलकम अंजुम्स किचन में वेलकम। आदाब दोस्तों, तो चलिए आज आपको सिखाते हैं कि हम फूली फूली सी पूरी कैसे बनाएंगे। अक्सर लोग पूरी बनाते हैं लेकिन उनकी पूरी तलने के वक्त तो फूल जाती है, लेकिन जैसे ही वो प्लेट में उतार के रखते हैं तो वो चिपक जाती है, उसकी जो हवा होती है वो निकल जाती है। तो इसीलिए आपको हम बताएंगे कि आपको कैसे उसका आटा गूंदना है बहुत आसान तरीके से, और कैसे बनाना है फूली फूली पूरी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले आप क्या करिए, ये जो बर्तन है इस बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। इससे क्या होगा, ये पानी पहले डालने से आपका जो आटा है वो आपके बर्तन पे नहीं चिपकेगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 कप मल्टीग्रेन आटा है ये। आपको अगर सादा वाला आटा लेना है सिर्फ गेहूं का तो आप वो भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1 कप के करीब डाल दिया है आटा, और इसमें हम डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून के करीब सूजी। इससे जो आपकी पूरी है वो अपना शेप चेंज नहीं करेगी तलने के बाद। ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। हम यहाँ पे इस मेजरमेंट के हिसाब से 1/4 टीस्पून डाल रहे हैं। बहुत से लोग आटे में नमक डालते हैं और बहुत से लोग नहीं डालते, लेकिन हमारे यहाँ नमक पसंद किया जाता है, नहीं तो रोटी जो है फीकी फीकी सी लगती है। तो ये सारी चीजें इसमें चली गई। अब हम आपको बताएंगे कि आपको बिल्कुल भी हाथ को भराना नहीं है। अब आपको इसको लेना है और इस तरीके से चमचे से इसको मिक्स करना है। फिर आपको थोड़ा सा पानी इसमें डाल देना है, एहतियात से डालिएगा। नए बच्चों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि जो लोग एक्सपर्ट होते हैं वो तो आटा 2 मिनट में गूंद लेते हैं, लेकिन जो नए बच्चे होते हैं उनके हाथ पूरे भर जाते हैं, आटा सब तरफ प्लेटफॉर्म पे गिर जाता है। तो उनके लिए ये आसान सा तरीका है। आप ऐसा लें, जिस तरीके से मसाला भूनते हैं उस तरीके से आप आटे को देखिए ऐसा कर लें। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा पानी और डालें, पानी ज्यादा नहीं डालना है। बस हमें क्या करना है, इस आटे को टुगेदर करना है, क्योंकि इसी जगह पर जो आपके हाथ हैं वो खराब हो जाते हैं। तो देखिए सारा आटा आ गया, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नीचे भी चिपका नहीं। क्यों? क्योंकि पहले इसमें पानी डाल दिया था। ये सब एक तरह से आ गया, देखिए कितने आसानी से हुआ। मुझे लगता है कुछ सेकंड ही लगे हैं, ज्यादा वक्त भी नहीं लगा, और ये आपका गोला जो है वो तैयार हो गया। चलिए अब आप अपना हाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हाथ लीजिए, सब तरफ से निकालिए। आज तक इतना आसान तरीका आपने कहीं देखा नहीं होगा। अब ये हो गया। अब इसे आप इस तरीके से छोड़ दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा तेल लगा के इसे 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिए। क्योंकि इसमें सूजी डाला है और आटे को भी जब थोड़ी देर रख दो तो उसके जो ग्लूटेन है वो ऊपर आता है, जिससे वो काफी स्टिकी और मुलायम हो जाता है। इसे छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद मिलेंगे। तो ये लीजिए जनाब, 10 मिनट हो गए हैं हमारे पूरी के आटे को रेस्ट करते हुए। देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से, देखिए। अब आपको हाथ को इस्तेमाल करना है और एक बार इसे खूब अच्छे से इस तरीके से मसाज कर देना है। आपने 2-3 चीजें देखा होगा, ना आपका हाथ खराब हुआ ना आपका बर्तन खराब हुआ। और जो छोटे बच्चे होते हैं, जो नए बच्चे होते हैं, जो बैचलर्स होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा काम होता है आटा गूंदना। तो देखिए कितने अच्छे से बन गया है, देखिए देखिए हमारा आटा बिल्कुल भी रेडी है। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि आपको पूरी की लोई कैसे बनाना है, और फिर झटपट तलेंगे गरम गरम फूली फूली सी पूरी। तो जब तक हमारे छोले बन रहे हैं, सीटी हो रही है, जल्दी से पूरी बना लेते हैं। लोई बनाइएगा इस तरीके से। हमारा जो तेल है काफी अच्छे से गर्म हो चुका है। तेल आपको हमेशा गर्म ही रखना है, बहुत ज्यादा गर्म नहीं कि आपकी पूरी जो है वो जल जाए, लेकिन इतना गर्म होना चाहिए कि अच्छे से पूरी जो है वो फूले। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो टेम्परेचर है बिल्कुल भी सही है। तो बस आपको इसी तरीके से मीडियम हीट पे रखना है। तो चलिए जल्दी से ले आते हैं पूरी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारी पूरी चली गई,
आपने देखा होगा कितनी आसानी से नाश्ता बन गया। तो आज हमने नाश्ते में चने बनाया है, मतलब के छोले, और साथ में हमने गरम गरम पूरी तला है। सारे फैमिली वाले बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे गरम गरम पूरी खा के, और ऑब्वियसली जब घर में बनता है खाना तो होटलों से तो मजेदार होता ही है। तो दोस्तों जरूर बनाइए हमारे जैसा अच्छा अच्छा सा नाश्ता, साथ में तलिए गरम गरम से फूली फूली पूरी। मुझे बताइएगा आपको ये तरीका, ये यूनिक सा तरीका जिसमें आपके हाथ भी गंदे नहीं हुए, कैसा लगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक आसान सी झटपट बनने वाली रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में जरूर जरूर याद रखिएगा। जितना हो सके हमारे जो वीडियोस हैं उन्हें शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स भी करिएगा, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल होते हैं। खुदा हाफिज़।